आर का मुझे बधाई देना चाहता हूँ और एक चीज के लिए निवेदन करना चाहता हूँ, तीन चार सेक्रेटरीज यहाँ ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, उनको मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक आध पूरे देश का और विदेश का मार्केट का सर्वे कराइए किन चीजों की जरूरत है और अपनी ट्रेनिंग उसी के मुताबिक आप डायरेक्ट करिए। ऐसा नहीं कि आप एक विभाग में इतनी ट्रेनिंग देने के बाजार ना मिले, तो मार्केट का असेसमेंट आपके पास लगातार होते रहना चाहिए और उससे आपके लोग ये रोजगार में जाएंगे। पढ़ाई का यहाँ जो हाल था मुझे कहते हुए अच्छा भी लगता, मुझे जो बधाई देने आया गवर्नर बनने के बाद उसी में कहा था वहां तो बहुत खराब हाल है हायर एजुकेशन का, तो हमने कोशिश की उसमें बहुत सख्त फैसले किए, उनके नतीजे भी आ रहे हैं। और एक जो सबसे सख्त फैसला था वो क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा कारोबार था बीएड का, बीएड एजुकेशन माने आपके कॉलेज खोल लीजिए, लड़कों से मुंह मांगी फीस लीजिए, टीचर मत रखिए, इम्तहान मत लीजिए, वहाँ की फैकल्टी यहाँ खड़ी कर दीजिए, वहाँ की यहाँ खड़ी कर दीजिए। उसको हमने सख्ती से कर दिया कि उसमें दाखिला सेंट्रलाइज इम्तहान के तहत होगा। और उसका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आज मैं यहाँ के सारे उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जो इसमें इन्वॉल्व थे। आज वो इम्तहान 11 बजे खत्म हो गया सक्सेसफुली, ना उसमें कोई चीटिंग हुई है, ना उसमें कोई पर्चा आउट हुआ है, बहुत कामयाबी के साथ कलेक्टर से लेके कमिश्नर वाइस चांसलर सब लोग उसमें इन्वॉल्व थे, सब ने उसको कायदे से इम्तहान को कर दिया। और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि ये बीएड का जो मामला है कितना ताकतवर है, कितना दबाव आया होगा हम लोगों पे और सेक्रेटरी साहब पे, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं और मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन बिहार अभी सुधरेगा और विजय कुमार जी को मैं बधाई देता हूँ कि ये चूंकि आपके महकमे में बहुत जानकारी है, इसमें भी बहुत सारी आईटीआई खोल लेते हैं, वो तमाम तरह की खोल लेते हैं, कुछ भी नहीं होता और आईटीआई चलती है, तो आप भी थोड़ा सख्ती कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। हमारा राजनीतिक माहौल में कहीं ना कहीं और लोगों के लिए बड़ा ही भयावह स्थिति है और ये माहौल उनके विपरीत लग रहा है, वो अभी चिंतन में है। सर एक सवाल है कि महामहिम ने कहा आपके विभाग में बहुत जलसाजी हो रहा है, इसे ध्यान देने की जरूरत है, कैसे देख रहे हैं? काफ़ी हमने बताया की बात है सुधार की, हमने काफ़ी व्यवस्था बनाई है और बहुत बेहतर ढंग से सुधर रहा है और आप लोग भी आने वाले दिनों में देखेंगे बेहतर रूप से। जो हमें IIT को ITI को महत्व बढ़ाना है क्योंकि ये 20वीं सदी ITI का होगा। लेकिन सर मानते हैं कि कहीं ना कहीं जलसाजी हुई है, तब तो महामहिम को यह बात उठानी पड़ी है। ये खुला है कि जो कमी है उसको हम लोग दूर कर रहे हैं और इसी के चलते आज इतनी शक्ति हम लोग बरत रहे हैं।